अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त कस्बा एक्सप्लोरर्स की टीम इरसा की एक इंतहाई अहम जगह है और सामने स्टेज मौजूद है रिवाइवल करने के लिए एक हिस्टोरिकल, जिस तरह से बाली जट्टी का थिएटर था, इसके अलावा आलम गुहार का थिएटर था, तो उनके मकरान की और माड़ा और गवादर की जो सकाफत पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की नुमाइंदगी करते हैं सकाफत के एतबार से, तो आप हमारे साथ रहें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस वक्त कस्बा एक्सप्लोरर की टीम लोग विरसा म्यूज़ियम में मौजूद है और इसका गेट नंबर 2 तो क्लोज है लेकिन गेट नंबर 1 खुला है। आज ईद का चौथा रोज़ है और हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो आइए आपको लोग विरसा म्यूज़ियम का जो सराउंडिंग है उसको विज़िट कराते हैं गेट नंबर 1 से। इंटरव्यू आप जानते हैं, इस वक्त कस्बा एक्सप्लोरर की टीम लोग विरसा जो को विज़िट कर रही है इस्लामाबाद में, तो इस वक्त हम लोग विरसा के जो यार्ड के अंदर हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, स्टैचूज बने हुए हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की नुमाइंदगी करते हैं सकाफत के एतबार से, तो आप हमारे साथ रहें। हम यहाँ पर जितने भी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तानी सकाफत को, मुख्तलिफ आपको जो है वो मैनूमेंट्स और स्टैचूज आपको दिखा रहे हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम लोग विरसा इस्लामाबाद में मौजूद हैं और ये हमारे पीछे म्यूज़ियम है, लोग विरसा म्यूज़ियम, और इसके अंदर हर जो पाकिस्तान का जो सूबा है, प्रोवेंस है, उसके कल्चर को अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए और इसके अलावा स्टैचूज और मुख्तलिफ जो है वो आर्ट के नमूनों से नुमाइंदगी की गई है, तो आप लोग विरसा आएँ और पूरी पाकिस्तान की सकाफत आपको एक छत के नीचे आपको नज़र आएगी। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस की जो एपिडेमिक है उसको देखते हुए पूरा SOP फॉलो किया जा रहा है और तमाम बिजनेस के लिए जो आगाही और उनकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हिदायात मौजूद हैं। तो इस वक्त जैसे कि आप जानते हैं हम लोग विरसा म्यूज़ियम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ये लोग विरसा म्यूज़ियम का एंट्रेंस जो है वो लॉबी है, तो यहाँ पे आप टिकट लेके और लोग विरसा म्यूज़ियम के अंदर एंट्री हो सकते हैं और मल्टीमीडिया स्क्रीन के ऊपर आपको तमाम पाकिस्तानी सकाफत के बारे में बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो तो यहाँ से भी आपको मिलेगी और इसके अलावा इसके अंदर बहुत कुछ मौजूद है आपके लिए।
जी जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम लोक विरसा म्यूज़ियम के सब्ज़ाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे फूलों के पौधे और बहुत लश ग्रीन जो है वो ग्रॉसी लॉन प्लाट्स और इसके अलावा जो है फलों के दरख्त भी मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माल्टा, इसके अलावा संतरा और जो है ना अनुभव इकसाम के जो फलों के यहाँ पे पौधे मौजूद हैं। तो आप सकाफत के साथ साथ जो यहाँ पे नेचर है हमारे मुल्क की कुदरती और इसके अलावा जो फूल पौधे हैं उनसे भी आप जो है वो महसूस हो सकते हैं। तो ये वक्त गुजारने के लिए फैमिली के लिए बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है और इसके अलावा जो हिस्ट्री और सकाफत से दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अनमोल और ट्रेजर है। तो आइए और इसे एक्सप्लोर कीजिए। हम लोग बिरसा के एक और सब्ज़ाज़ार एक और खूबसूरत लॉन में मौजूद हैं और यहाँ पे विज़िट करने वालों के लिए बैठने के लिए बहुत अच्छे सायादार और आरामदेह जो हैं वो सहूलियात मौजूद हैं। जी जनाब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग विरसा में खूबसूरत सब्ज़ाज़ारों के साथ साथ और पाकिस्तानी सकाफत को नुमाया करने के लिए उसकी नुमाइंदगी के लिए म्यूज़ियम और बहुत सारे स्टैचूज बने हुए मैनोमेंट्स बने हुए और इसके साथ साथ यहाँ पर एक थिएटर भी मौजूद है जहाँ पर लोग सकाफत को रिवाइवल करने के लिए एक हिस्टोरिकल जिस तरह से बाली जटी का थिएटर था इसके अलावा आनंद बिहार का थिएटर था थिएटर बने हुए हैं। इसके अलावा मीडिया सेंटर है यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स हैं कुछ हाल बने हुए हैं जहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ तंजीमों के सेमिनार होते हैं पाकिस्तान की सकाफत को नुमाया करने के लिए। और इसके अलावा हर साल यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसे लोक विरसा मेला इस्लामाबाद के नाम से याद है। जी जैसा कि एक इंतहाई अहम जगह है और सामने स्टेज मौजूद लाल मौजूद है और ये एक स्टेडियम की तरह से इसको बनाया गया है और यहाँ पर बहुत सारे सेमिनार होते हैं जो पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करते हैं। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट की तंजीम पौधा हर साल जो है वो वुमेन जो रूरल वुमेन और अर्बन वुमेन डेज यहाँ मनाते हैं। यहाँ पर 3 रोज़ा तकरीब मुनक्कद होती है लोक विरसा इस्लामाबाद के इस पंडाल में।
हैं अपेंडिक्स में। कहाँ कहाँ से सामान आप? नहीं यहीं गए, ये पंजाब के। वैसे पंजाब के किस इलाके से ज़्यादातर ये आता? देखिए इसमें जो ज़्यादा है ना सिला हमारी, ठीक है, उसके अलावा चंडीगढ़ है, गुजरात है, उसका भी लेकिन ज़्यादा सामान है, छोटा व्यवसाय सारा लोग। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना, बहुत प्यारा, बड़ा बारीकी से काम हुआ। आप कहाँ से? हम रोहतांग से। हाँ रोहतांग में भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा, हाँ खासकर कैमल स्किन के जो लेंस हैं बड़ा कैमल स्किन के जो, जी हाँ। तो उसके अलावा आपका वो हड्डी का काम था, ऋषि साहब होते थे वहाँ से भी, वहाँ से आते थे। इसके अलावा आप बेटे बेटे कर रहे हैं, जी वो जो रोहतांग के बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सकाफत के खूबसूरत रंग, जहाँ पे पाकिस्तान में रेगिस्तान हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा तकरीबन 700 किलोमीटर से ज़ायद साहिल समुंदर भी है जो कराची से लेकर गवादर तक फैला हुआ है। और यहाँ पर मकरान की और माड़ा और गवादर की जो सकाफत है, रोज़गार जो है माहीगीरी है, फिशिंग करते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं, और ये कश्ती है जो हैंडमेड है, ये भी पाकिस्तान की अपनी जो दस्तकारी है, यहाँ के हुनरमंदों का कमाल है। और अगर आप गवादर जाएं तो इससे भी खूबसूरत आपको तकरीबन जहाज़ नुमा कश्तियाँ, दो दो तीन तीन लेयर्स में मंजिलों में कश्तियाँ वहाँ के लोग अपने हाथों से बनाते हैं, और लकड़ी उनके हाथ में बिल्कुल मोम बन जाती है, जैसा चाहें उसे खूबसूरती में ढाल लेते हैं। जैसे आप जानते हैं इस वक्त हम लोग फिर सा इस्लामाबाद में मौजूद है, आइए आपको मज़ीद दिखाते हैं।